राधे राधे, कैसे हैं आप सब? होप के अच्छे होंगे। और आज मैं आपको वो प्लांट्स दिखा रही हूँ जो मैंने इस समर्स कटिंग से लगाए थे। मैंने लगाए थे ये मार्च में और बहुत ही अच्छे से निकल के आए हैं। आज मैं वही प्लांट्स आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, एक प्लांट्स ये है और एक ये है। ये दोनों ही एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं दोनों, और बहुत ही अच्छे प्लांट्स हैं। और ये मैंने छोटी छोटी कटिंग लगाई थी, और देखें, एक कटिंग ये है, एक ये है और एक ये है। तो और ये देखिए, ये डेफिनबेकिया है, इसको भी मैंने, ये देखिए, नीचे से कटिंग से लगाए थे। और ये देखिए, इसमें ये नीचे इसी का प्लांट्स आ रहा है, ये देखिए। तो इस तरीके से मेरे यहाँ ये दो गमले और तैयार हो गए हैं डेफिनबेकिया की। काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं मुझे। और बस क्या करा था, जो भी पॉट खाली नज़र आया मुझे, मैंने उस पॉट में ये कटिंग्स लगा दी। और अभी ये अच्छी निकल के आई हैं, और मुझे लगता है अभी बरसात पूरी बाकी है। और जो बरसात में इनके जो रिज़ल्ट निकल के आने वाले हैं, वो बहुत ही दिल को खुश कर देने वाले हैं। तो आप भी समय समय पे अपने गार्डन में जो भी आपको एक्स्ट्रा प्लांट्स दिखते हैं उनकी कटिंग करें। और इस तरीके से मैं दिखाती हूँ आपको, मैं डेफिनबेकिया कौन से प्लांट से मैंने निकाले थे। ये देखिए, कई बार दिखा चुकी हूँ आपको। ये भी काफ़ी भारी भरकम तरीके से हो रहे हैं यहाँ पर। और अभी मुझे लग रहा है कि दो प्लांटर हैं यहाँ पर, 8-8 इंचज़ के सीमेंट के, जो मैंने यहाँ रख रखे हैं। और मेरा मन है अब इनको थोड़ा यहाँ से हटाने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा निकल के आ रहे हैं और इनको, मुझे लगता है थोड़े से स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस साल भी मुझे इस पॉट में से कुछ इसके पब्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। तो इसी में से मैंने ये कुछ डेफिनबेकिया निकाले थे और लगा दिए थे इस तरीके से। तो बहुत आसान है गार्डनिंग में, जो हमारे प्लांट्स बनाओ और अपने गार्डन को हमेशा हरा भरा रखो इस तरीके से, जैसे मैंने बताया। और कई बार क्या होता है, एक्स्ट्रा हो जाता है, तो मैं अपने कुछ रिश्तेदार हैं उनको भी अपने ये प्लांट्स दे देती हूँ। तो ये वाला देख रहे हैं, खूबसूरत, बहुत अच्छा सा निकल के आया। इसको मैंने इस तरीके से कटिंग से करा था कि कटिंग से नीचे से भी एक्स्ट्रा निकल के आया। ये एक यहाँ कट लगाया था मैंने इस जगह पर, तो बहुत अच्छा निकल के आया है गाइज। और आप भी इस तरीके की काट छांट कर दीजिए अपने गार्डन में। बरसात में तो किसी भी प्रकार के प्लांट्स कट के लग जाते हैं, कटिंग लग जाती है मीन्स। बट वैसे भी ट्राई करते रहें तो मुझे लगता है हमारे गार्डन में बहुत सारे कुछ कटिंग्स ऐसी हैं जो मार्च में भी लग जाती हैं, जैसे कि मैंने लगाई हैं ये, और बहुत अच्छी निकल के आई। काफ़ी टाइम से मेरा मन था कि मैं आप लोगों से ये वाली कटिंग शेयर करूं जो मैंने लगाई है। और देखिए, चारों की चारों बहुत अच्छी चल रही है। बड़ा मन खुश हो रहा है कि फ्री में जब हमें कोई प्लांट्स मिल जाते हैं। तो वैसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको मैंने कटिंग से लगाया है, तो आपको एक एक दो दो करके दिखाती रहूँगी स्टेप बाई। तब तक आप मेरी इस वीडियो को एंजॉय करें। जो भाई बहन पहली बार हैं, उनसे कहूँगी, मेरे चैनल पे अब आ ही गए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल को। और वीडियो अच्छी लगे, जानकारी पसंद आए, तो लाइक भी कर दीजिएगा प्यारे प्यारे हाथों से। आपके लाइक से बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और फिर मिलती हूँ, ज़्यादा पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। बाय फ्रेंड्स।